तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहां पर देखने वाले हैं कक्षा नौवीं के लिए आपका संस्कृत विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। प्यारे विद्यार्थियों यहां से आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देख कर जाइएगा जिससे कि आपको कक्षा नौवीं का संस्कृत विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। तो देखिएगा कक्षा नौवीं का आपका संस्कृत विषय का पेपर कुछ इस प्रकार का परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। यहाँ से आप लोग देख लें ये आपकी सप्लीमेंट्री परीक्षा का पूरा पेपर है जिसका कि आज हम यहाँ से सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन उचितम विकल्पम चित्वा लिखा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपसे उचित विकल्प पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें नमस्ते इतस्य पदस्य भविष्यति। तो देखो नमादंते हो जाएगा। व्यंजन संधि उदाहरणम अस्ति। तो देखो व्यंजन संधि का उदाहरण क्या होगा वागीस। इतोपदेश इतस्य पदे संधि अस्ति। तो देखो इतोपदेश में आपका गुण संधि होगी। कर्मधारय समस्य उदाहरणम अस्ति। तो देखो कर्मधारय समास का उदाहरण महापुरुषा इसका राइट आंसर होगा। पंचरात्रम पदे समास अस्ति। तो देखो पंचरात्रम पद में दिगु समास आ जाएगा। द्वंद्व समास उदाहरणम अस्ति। तो देखो द्वंद्व समास का उदाहरण धर्मार्थ आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के इन प्रश्नों को देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर दो को पढ़ते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर दो ये लिखा है अस्तमय इतस्य विलोम पदम। तो देखो इसमें आपका आ जाएगा उदीय। सार्थकम इतस्य पदस्य विलोम पदम। तो देखो सार्थकम का विलोम पद क्या होगा निरर्थकम। इंद्रा इतस्य पर्याय पदम। तो देखो गजेंद्र इसका राइट आंसर आ जाएगा। पवना इतस्य पदम पर समानार्थी भवती। तो देखो पवना का समानार्थी वायु आ जाएगा। प्रिय पुत्र अस्ति अस्मिन वाक्य विशेष पदम। तो देखो इसमें आपका प्रिय लिख देना है। उसके बाद में अहम एक वृष्टणम पश्यामी पदे विशेष पदम अस्ति। तो देखो आपका इसमें एका आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप सब लोग इन प्रश्नों को देख लें। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोगों को क्या करना है जोड़ी को देख लेना है। देखो जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है। पहला क्वेश्चन भ्रमित्वा भ्रमित्वा की जोड़ी मिल जाएगी कत्वा से। बाला की जोड़ी टाप से। गंतुम की जोड़ी तुमुन से। तंद्रालु भवती की जोड़ी बली से। और गीति गातुम कतियती की जोड़ी मृदुलम से। उसके बाद में वणिक पुत्रस की जोड़ी जीर्ण धन से। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर ले ए टू जेड पूरी की पूरी। प्यारे विद्यार्थियों आपसे जोड़ी मिलान इसी प्रकार से पूछा जाएगा जैसा कि मैंने यहाँ से आपको बताया। तो आप लोग इसको अच्छे प्रकार से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। ए टू जेड पूरा का पूरा जोड़ी मिलान आपका पेपर में परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा जाएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर चार जो होगा ना इसमें आपसे एक पद वाले उत्तर पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन गच्छति क्रियापद का धातु अस्ति। तो देखो गच्छति में आपकी गम धातु होगी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन अस धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य एक वचनम लिखत। तो देखो इसमें आपका अस्मि आ जाएगा। लब्धे इति रूपम का लकार भवति। तो देखो इसमें आपका लट लकार आ जाएगा। गम धातु लट लकारस्य मध्यम पुरुषस्य बहुवचनम लिखत। देखो इसमें आपका गमिष्याति आ जाएगा। प्रउपसर्ग युक्तम एकम वाक्यम लिखत। तो देखो इसमें आपका प्राचार आ जाएगा। निर्गच्छति अस्मिन् पदे उपसर्ग नाम लिखत। तो देखो इसमें आपका निर आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन को देख लें और इनको अच्छे प्रकार से समझ भी लें ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे से लिखकर आ सकें। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर पाँच शुद्ध वाक्यम समक्ष आम अशुद्धम वाक्यम समक्ष ना अति लिखत। देखो यहाँ पर आपसे आम और ना पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें पितरा सप्त तृतीय विभक्ति अस्ति। तो देखो इसमें आपका ये आम हो जाएगा यानी कि पूरा का पूरा आपका ऐसा ही होगा। अगला क्वेश्चन नदी शब्द उकारांत अस्ति। तो देखो ये भी आपका ना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बालका शब्द नपुंसक लिंग भवती। तो देखो ये भी आपका आम होगा। तस्य रूपम षष्ठी विभक्ति भवती। तो देखो ये भी आपका आम होगा। अद्य अव्यस्त अर्थ आज इति अस्ति। तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। कच्चप सने सने चलती अस्मिन वाक्य अव्यम अस्ति। तो देखो ये भी आपका ना होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चन और उनके आंसर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिए होंगे। अब उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को पढ़ लें। कवि वाणी किम कथियति काला कश्यरस पिबंती अंधी तपोदत्त केम गरीतो भवता और लोक रक्षणा सदा संभवती और स्वतुला याचमम जीर्ण धना श्रेष्ठ किम अकथियत। देखो इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। आप लोग यहाँ तक के क्वेश्चन को देख लें। अब इसके बाद में देखो इन प्रश्नों को पढ़ लें। प्रश्न नंबर 14 लिखा है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 लिखा है अतो लिखते सु अशुद्ध वाक्य शुद्धिम करूँ। तो देखो प्रश्न नंबर 15 को पढ़ लें। प्रश्न नंबर 16 लिखा है। 16 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 17 लिखा है और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 18 लिखा गया है। 18 के बाद के क्वेश्चन ये देगा। प्रश्न नंबर 19 को देख ले यहाँ से। अब 19 के बाद के कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 20 ये लिखा है और 20 के बाद में देखिएगा 20 तक के क्वेश्चन अपन ने देख लिए।
फिर इसके बाद में देखो 21वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है, 22वां क्वेश्चन ये लिखा है। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको अच्छे से बता दिए, उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन और उनके आंसर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिए होंगे। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।